देखो सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है, हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तू परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तू, हम परेशान हो, ये हमारा आदर्श स्वभाव बन गया परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो, कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता, सुलझो। ठीक है ये विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा, ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, अब वो वस्तु गई तो क्या, पद गया तो क्या होगा, प्रयास किया था ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। और अपने लोग क्या है, जरा सी बात में एकदम पचड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं, भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना, तो हमें बल मिला है, हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर ऐसे तो भाग जाते हैं, फिर परमार्थ में थोड़ी चलना होता है। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना, तो ये इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते हैं, जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, तो बोलो क्या हमसे ज्यादा परेशानी होगी, दोनों किडनी खराब, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं, पानी रखा है हम उठ के पी नहीं सकते, भीषण शरीर में कष्ट, भीषण बुखार, क्योंकि किडनी फेल, जरा में बुखार, खाने को क्या, रोटी मांग के लाओ, अगर वहां सब्जी मिलती है तो लाल मिर्च ऐसी पड़ के मिलती थी कि पा नहीं सकते थे। आप सोचो, पानी लाना है तो मुझे लाना है, पीना है तो मुझे पीना है, अगर मैं हारता तो कहां पहुंच जाता, क्या स्थिति होती, नहीं मरना है। और कदम पीछे, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा ना की हो, जिस दिन सेवा ना में ना गए हो। गुरु जी की सेवा में जाना है, पहले अपने को स्वस्थ साबित करना है, वो सेवा नहीं लेंगे, तुम बीमार हो, तुम कष्ट में हो, ऐसे उनकी दृष्टि परेशान थी, सेवा की आके लेट गए, फिर हिम्मत की अपनी श्री जी की सेवा की, मधुकरी नहीं गए, तीन तीन चार चार दिन भोजन नहीं गए, पर सेवा नहीं छोड़ा, दिनचर्या नहीं छोड़ी, और उसका प्रधान कारण संयम, ब्रह्मचर्य, भगवत आश्रय, नाम जप, कभी हारने नहीं दिया। अभी भी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, हारने, आपको हारे हुए नजर आ रहे हैं, शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, ऐसा थोड़ा स्वस्थ बैठे हैं, पीड़ा है, बार बार प्यास लगती है, थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, हर, लेकिन हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न हैं, हम लड़ाई में हारे नहीं हैं, ना हारेंगे, हम जीत चुके हैं, हम अपने मालिक के भरोसे में अपना संपाद, तो वो ये हम अपनी बड़ाई नहीं बता रहे, हम आपको बता रहे समस्या। सोचो तुम्हारे पास तो माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है, कोई ना कोई तो है ना, मेरा किसी ने कभी जीवन में ध्यान भी नहीं दिया, क्यों, बचपन से बाबा जी बन गए, किसी से प्यार नहीं, किसी से संबंध नहीं, कोई जानकारी नहीं, हम कहाँ हैं, वो कहाँ, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा जवान साधु कौन श्रद्धा करे, कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि रोटी मांग ले, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या भावना कर ले, हम दरवाजे पे खड़े हैं, क्या कैसी भाव, जो हमारे सामने आकाश वृत्ति से आया यौवन अवस्था में वही पाया, अन्यथा मुखे रह गए। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे, तो हम कभी निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा, उसी का फल है कि उस सुख का संकेत मिल गया जहां दुख की निशानी भी नहीं है, वही उसी के बच्चे हो, हम सब उसी धातु से बने हुए हैं। हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं, हम ये देखते हैं अपने लोग थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है, आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा, तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में भयभीत हो, तब क्या हमारी सोच रह गई। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू ना सके, भारी से भारी सुख की व्यवस्था है तो अहंकार में हर्षित होकर किसी का अपमान न करें कि हम धनी, हम पदाधिकारी, अमुक, भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे, मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो, शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस कर म्यों म्यों बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंस कर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है, तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके, तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक नहीं, ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं, आप समझो। आप लोग सोचते हैं हम गृहस्थ होकर भला ऐसी स्थिति कैसे, जनक जी सुखदेव जी के गुरु हैं और राजा हैं, महल है, रानियां हैं, नौकर है, चाकर, क्या सुखदेव जी जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, दिगंबर परमहंस, परमहंस के गुरु है जनक जी जो राजा हैं, समझो आप ऐसा ना सोचे कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम अध्यात्मिक की ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते, नहीं, आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ सकते हैं, और अध्यात्म ही है जो तुम्हें इस माया के दुख सुख से ऊपर उठा सकता है, दूसरा चाहे जितनी संपत्ति आ जाए आप सुखी नहीं हो सकते,
सब देख लो, आंख खुल के देख लो। अध्यात्म ही है जो तुम्हें हर कष्ट सहकर मुस्कुराकर जीने का रास्ता बता देगा। ये आप आनंदित हो जाओगे, कुछ नहीं बिगड़ा। अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला।